उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को 46 साल के बाद खोला गया है। 12वीं सदी के इस मंदिर का रत्न भंडार 40 सालों से किसी ने नहीं खोला था। अभी रत्न भंडार के एक हिस्से से खोला गया, वहीं दूसरा हिस्सा अगले हफ्ते खोला जाएगा। रत्न भंडार खोलने के बाद उसमें मौजूद वस्तुओं को लाल और पीले रंग के बक्सों में भर कर ले गया है। इन्हीं बक्सों के भीतर रत्न भंडार का रहस्य भी बंद है। अभी पूरी तरह जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का एक हिस्सा खोला गया है। एक हिस्सा कुछ दिनों में खोला जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि भीतरी तहखाना में मौजूद रत्न भंडार के हिस्से में क्या कुछ रहस्य छुपा है। भीतरी हिस्सा खोलने के बाद हम हर किसी को यह पता चलेगा कि इन भंडारों के अंदर किस तरह की चीजों को रखा गया। हालांकि अगले हिस्सों को खोलने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद है कि शुभ मुहूर्त देखकर दिन एवं तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि बीते रविवार को दोपहर को 1:28 के मुहूर्त पर रत्न भंडार को खोला गया था। टीम बकायदा बड़े बड़े टॉर्च और औजार लेकर अंदर घुसी थी। पूजा पाठ के दौरान जिस वक्त गर्भगृह का बाहरी हिस्सा खोला गया, उस दौरान सरकार के प्रतिनिधि, ASI के अधिकारी, गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादारों सहित 11 लोग मौजूद थे। इसके साथ ही सांप पकड़ने वाली 2 टीम भी बुलाई गई थी, जिसमें से एक अंदर थी और दूसरी बाहर तैनात थी। बाहरी हिस्से को खोलने के बाद करीब 4 घंटे तक सभी सामानों को लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट कर सील कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि यह संदूक सागवान की लकड़ी से बनी हुई है और 4.5 फुट लंबी, 2.5 फुट ऊंची और 2.5 फुट चौड़ी है। अधिकारियों ने 15 बक्सों को बनाने का ऑर्डर दिया था। फिलहाल रत्न भंडार की चीजों की सूची बनाने का काम रविवार को नहीं शुरू हुआ और इसमें समय लगेगा। बता दें कि जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आखिरी बार 40 साल पहले 1978 में खोला गया था, जिसके बाद 2018 में हाई कोर्ट ने भंडार को खोलने का निर्देश दिया था, मगर चाबी गायब होने के बाद कहकर भंडार नहीं खोला गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के दौरान उसका जिक्र किया था और इस भंडारे को खोलने का वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे को पूरा करते हुए इस भंडार को खोल दिया। हालांकि अभी चीजों की लिस्टिंग और गिनती नहीं की गई है।